12 सितंबर 2019 के महावाक्य हैं, साकार बाप दादा। तो मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए। बाबा कौन सा खजाना देने आए हैं? समझा जाता है कि कुबेर एक ऐसा देवता है जो सारे खजानों का मालिक है, परंतु कौन सा खजाने का मालिक है? क्या उसने कहीं पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं? क्योंकि कुबेर को धन का देवता माना है। अब उसने कहीं धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो उसके पास जाते हैं तो वो थोड़ा सा निकाल कर दे देते हैं। उसका क्या नियम है धन बांटने का? किस आधार से वो धन बांटता है पता ही नहीं, कोई नियम ही नहीं। यदि उसकी पूजा करने से, पंडित को सोने की मूर्ति बनाकर दान करने से वो धन देता है तो ये पंडित की चालाकी है जो हमें बुद्धू बना रहा है। पूजा करवाता है कुबेर की, कहता है धन सोने की मूर्ति रखो, सोने का सिक्का रखो, पंडित को दान करो, तब तो वो आपको कुछ देगा। आप कुछ दोगे नहीं, वो आपको क्यों देगा? जैसे रिश्वत लेने वाला कहता है ठीक है अभी तुम 1,00,000 रुपया चाहिए, ये 10,000 तुम मेरे को दो कम से कम। सेम पंडित भी, अब वो 1,00,000 मिलेगा कि नहीं, उसमें तो फिर भी रिश्वत वाला लेकर के आपको संसार में कोई ना कोई आपका काम करा देगा, पर तो पंडित की तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। उसके बावजूद नहीं मिला तो कहेगा भाई आपकी दिल साफ नहीं थी, आपने साफ दिल से नहीं दिया इसलिए आपको नहीं मिला, दोबारा करो, दोबारा साफ दिल से मेरे को दे, आपकी बार आप दिल से करना, फिर नहीं मिलेगा तो भी तो कुबेर का खजाना वास्तव में खजाना, तो सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा धन कौन सा है? अविनाशी ज्ञान था। उस ज्ञान धन से भी बड़ा है बेस तो है ज्ञान धन, परंतु उस ज्ञान धन से भी बड़ा है संतोष। क्योंकि ज्ञान धन तो सुना इंफॉर्मेशन है, परंतु ज्ञान को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आता है संतोष धन। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी, सब धन दूरी से, कोई भी धन संतोष धन के सामने कुछ भी। गज धन, बाजी धन, दुनिया भर के धन, पहले जिसका जितने हाथी होते थे उतना बड़ा अमीर, घोड़े जितने ज्यादा होते उतना अमीर, गाँव जितनी होती थी उतना अमीर, फिर ये पैसों के हिसाब से अमीर होने लगे। परंतु संतोष धन आ जाता है उससे बड़ा अमीर कोई भी, और वो सिवाय बाप के बताए हुए रास्ते पर चलने से, बाप के द्वारा मिले ज्ञान के कोई तरीका नहीं है जो हमारे जीवन में वापस आ सके। बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं, ईमानदार फूल किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। ऑनेस्ट फूल वे हैं जो कभी भी माया के वश नहीं, ईमानदार। क्योंकि माया के वश हुए क्यों? बाप का कहना नहीं माना, परमात्म डायरेक्शन पर नहीं चले तभी माया के वश में, माया की खिट पिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट आने का पुरुषार्थ, मतलब चाहे वो देर से आए ज्ञान सुनने के लिए देर से आए, परंतु जब आएंगे, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट भी तो पूरा करना था ना, जिसके कारण वो इतना लेट हुए, परंतु लेट आएंगे परंतु जाएंगे फास्ट, जाएंगे फास्ट एकदम।
वो पुराणों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान वाच, वे हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना, बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं, गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वे बाप को याद कर न सके, बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके, ये अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए, वो तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वे ब्रह्मा को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, माया बड़े बड़े सन्यासी, विद्वान सन्यासी, चिन्मयानंद आदि कितने गीता सुनाते हैं, दुनिया में कितने हैं जो गीता सुनाते हैं, लाखों जिनकी सुनने वाले होते हैं, घंटों जो एक एक टॉपिक पर भाषण करते हैं, कमाल की बात है, वो खुद को नहीं जानते और वो बाप को, कितनी कमाल की। और आप कभी स्कूल में नहीं गए, कई तो ऐसे भी है ना जो स्कूल में नहीं गए और उन्होंने भगवान को पहचान लिया, ये उनके अपने पूर्व जन्मों की भक्ति, पूर्व जन्म के कर्मों का। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ही नहीं सकता है। ऐसे नहीं कि गीता का भगवान कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। अब भाषण गीता पर करते हैं पर तो कृष्ण को बाबा भी नहीं कह सकते, और फिर गीता का भगवान कृष्ण समझकर कृष्ण के साथ योग भी नहीं लगा सकते। वे तो फिर ब्रह्म के साथ योग लगाने के लिए मेहनत करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बनते हैं, कहते ब्रह्म को याद करो। अब वो ये नहीं जानते कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म है रहने का स्थान हमारा घर, अब घर को याद करने से क्या मिलेगा, क्योंकि याद करने की मीनिंग बदल गई, याद करने का मतलब समझ लिया कि घर को याद करो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। जैसे स्कूल में छुट्टी होती है तो क्या रहता है कि घर जाना है, ऐसे ही समझो कि हमें घर जाना है, घर जाना है। अब ऐसा सोचने से क्या लाभ होगा, तो कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं है, क्योंकि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया ही नहीं है। आज तक हम सुनते आए कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, परंतु कृष्ण गीता का ज्ञान देता सबको देगा, भगवान होता एक को थोड़ा सुनाता, फिर गीता का ज्ञान सुनाया किस लिए। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, जिनके लिए मैंने राज्य करना है वही सारे मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे, जिनके ऊपर राजा करना है राज्य करना है वो 18 अक्षौणी पुरुष मर जाएंगे, बचेंगे कौन, 18 अक्षौणी विधवाएं, बूढ़े और बच्चे। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा ऐसा राज्य। क्या ये अर्जुन ने जो कहा वो गलत था, ठीक था। फिर इसका मतलब कृष्ण चाहता था युद्ध कराना, कृष्ण ने जानबूझ करके 18 अक्षौणी लोगों को मरवाया, अब भगवान आकर मारने वाला काम करेगा क्या, सोचने वाली बात। कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं, कृष्ण को भगवान समझते हैं, वही गंधारी से जब मिलने जाता है तो गंधारी उसको क्या देती है, श्राप देती है कि हे कृष्ण तू चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था, कहता है हाँ रोक सकता था, तूने नहीं रोका, मेरे दोनों कुलों को तूने नाश किया, चाहे वो पांडव कुल हो तो चाहे वो कौरव कुल, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि सारे यदुवंश का भी।
और यह तो भी सारे मल के स्वीकार है। भगवान को भी कोई श्राप दे देवे फिर कैसे भगवान है वो, मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं समझना है। भगवान आए गीता का ज्ञान सुनाए, परमात्मा कहते गीता का ज्ञान तो मैं आके सुनाता हूँ, यदि ये गीता का ज्ञान है, यदि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया द्वापर के लास्ट में दिया तो भगवान आकर गीता का ज्ञान सुनाए, असुरों का नाश कराए, सुख का समय स्वर्ग आना चाहिए था, सतयुग आना चाहिए था, आया घोर कलयुग। लेकिन वो गीता बाबा कह रहे हैं कि है ही नहीं, कोई नहीं मान रहे, लेकिन ये जिक्र क्यों है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं? गीता एक नहीं है, गीता सैकड़ों है। गीता माना गीत, गीता शब्द का क्या नाम है, गीत, गीता शब्द बना है गीत से, क्योंकि उसमें वो गीत लिखे हुए हैं जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, उसे इसलिए अलग करके रखा गया गीता को महाभारत से कि इनके डायरेक्शन पर चलेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। परंतु उस गीता पर चलने से आज तक एक श्रेष्ठ बना हो तो बताओ, एक पवित्र बना हो तो बताओ। ये गीता ज्ञान है जो मैं आके सुना रहा हूं जिससे सारी दुनिया पतित से पावन बने, मैं सारे संसार की आत्माओं को आके पढ़ाता हूं, ये है वो गीता जिससे सब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनते, ये वो गीता है। ये बाबा आकर, क्योंकि दुनिया में और कोई किताब नहीं है, एक ही दुनिया में किताब है जिसमें लिखा है श्री कृष्ण भगवान उवाच। तो दुनिया समझती है ये तो भगवान ने कही है, परंतु अब बाबा कहते वास्तव में वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान नहीं, ये सिद्ध करना, वो गीता में आटे में नमक जितना सच है, ये है वो गीता जो मैं आकर सारे संसार के कल्याण के लिए। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वे सब आत्माओं का बाप है, सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, परम पिता परमात्मा है वो सुप्रीम, परम क्योंकि परम धाम में रहने वाला है, तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, दिव्य भी है और अलौकिक भी है, ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई नहीं जानता। अब बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानता, दुनिया वाली गीता में लिखा मैं जो हूं जैसा हूं, जो मुझे बसते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और जो देवताओं को बसते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को बसते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों प्रेतों को बसते हैं वो भूतों प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो इस बात को सुनकर के हमें समझ में आता है कि परमात्मा अलग है, देवता अलग हैं, पितर अलग हैं, भूत प्रेत अलग। अब परमात्मा आकर कहते मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई नहीं जानता, तो कौन बताएगा मैं जो हूं जैसा हूं? स्वयं बाप ही आकर बताएगा कि मैं क्या हूं, मेरा परिचय मेरे बच्चे नहीं दे सकते, मैं खुद ही आकर अपना परिचय देता हूं। कि नियम है कि बच्चे बाप का परिचय नहीं दे सकते। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा जन्म कैसा है, दिव्य और अलौकिक, ऐसा जन्म दुनिया में और किसी का होता ही नहीं, क्योंकि मैं आता हूं क्या करते हैं बाबा, प्रकृति को अधीन करते हैं। सातवें अध्याय में लिखा गीता में मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है कि कुछ के सामने तो प्रकट होते हैं ना, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य
मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं। तो ये लाइन कृष्ण भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण का तो खुद का जन्म हुआ, पालना ली, ठीक है। ये लाइन कृष्ण भी नहीं बोल सकते। तब बात कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते, मैं जब अपना परिचय दूं तब तो जान सके। ये ब्रह्मा को या तत्वों को भी मानने वाले कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? जब वो तत्व तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो कृष्ण को बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? उसके अपने माता पिता तो उसको पिता नहीं कह सकते, उसका नाना उसको पिता नहीं कह सकता, उसका मामा उसको पिता नहीं कह सकता, उस समय जो प्रजा थी चारों तरफ वो उसे पिता कैसे कहेंगे? वो प्रजा तो पहले जन्म ले चुकी थी ना, वो उनका पिता तो नहीं हो सकता ना। जो आया कह देते हैं, ऐसे थोड़े कहेंगे श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम कृष्ण के बच्चे कैसे? कृष्ण ने शादी ही नहीं की, उसके बच्चे ही नहीं हुए, शादियां की तो 16108 कर दी, हर एक घर से 10-10 बच्चे हो गए, उन बच्चों में भी हमारे नाम नहीं है। मनुष्य बहुत भूले हुए नहीं जानते है, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते, कोटों में कोई, कोयों में कोई मुझे पहचान, सब मुझे नहीं पहचान। कृष्ण को तो कोई भी जान लेगा, चाहे वो सनातन धर्म का हो या ना हो, कृष्ण यदि अपने वेश में आ जाए तो सारे धर्म वाले उसको पकड़ लेंगे, आ जाओ, चाहे वो उस धर्म को मानते हैं या नहीं मानते। भारतवासियों से सुनते हैं उनकी पूजा बहुत होती है, फिर गीता में भी लिख दिया है कृष्ण भगवान, अब भगवान को भला लॉर्ड तो कहा नहीं जा सकता, वो कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में मालिक को, जो संपत्ति का धन का मालिक होता है उसको कहा जाता है लैंडलॉर्ड। लॉर्ड का टाइटल व्यक्तियों को मिलता है, वे तो सबको देते रहते हैं, इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा तक के सिर, बाजी तक के सिर। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं, कहां ये आज का पतित मनुष्य, कहां शिव और कहां कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूं वो फिर गुम हो जाता है, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूं, ज्ञान भी मैं ही देता हूं। अभी मैं जब ज्ञान दूं तब तो तुम बच्चे सुनो। कहते ना, जब भगवान अकल बांट रहा था तो तुम कहा, मेरे बिगर कोई ये ज्ञान सुना ना सके। जानते ही नहीं, क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं, अब बाप समझाते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं,
कितना फर्क हो गया है। बाबा तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वे बाप टीचर गुरु भी है, शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं, ना समझने कारण त्रिमूर्ति शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, शिव को नहीं रखते, किसको रखते हैं, उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे, भगवान प्रजा नहीं रचते, अंतर समझ रहे हैं, भगवान प्रजा नहीं रचते, प्रजापिता तो ब्रह्मा ही है। भगवान तो सब, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, फिर कोई द्वारा प्रजा रचते होंगे, तो हमको किसने अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाप ने हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया। ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया, ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे, ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट तो चाहिए ना, इतनी प्रजा कहाँ से आएगी, कुख वंशावली भी तो हो ना सके, वे कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सर नेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है, प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते हो, तब जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे, ये नई बात है ना, बाप खुद कहते हैं मुझे या मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते, तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते, तब तो ऋषि मुनि सब कहते आए, वेदों में ऋषियों ने लिखा नेति नेति, हम नहीं जानते कि सृष्टि की रचना कब किसने कैसे की, हमें नहीं पता, ना परमात्मा को ना परमात्मा की रचना को जानते। बाप कहते जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी तो जाने ना। इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ा ही है हमने ये राज्य कैसे पाया, इनसे ज्ञान होता ही नहीं, इनमें कोई ज्ञान होता ही नहीं है, पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है, ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए, ये तो सदगति को पाया हुआ है, ये बड़ी समझने की गुये बातें हैं, समझदार ही समझे, बाकी जो बुद्धि बुद्धि माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट है, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर बुद्धि दो, ऐसे मत कहना हे ईश्वर बुद्धि दो, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नरसे नारायण बनने का, हम सब यहाँ सवेरे सवेरे उठ करके आए हैं नरसे नारायण बनने की मेहनत करने के, बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार, जो जितनी मेहनत करेगा उतना बनेगा, अगर सब हाथ उठाए कि हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना, बाप पूछते हैं कई बार कौन कौन नारायण बनेंगे, सब हाथ उठा देते, ना हाथ उठावे तो बुरा लगता है कि बेल ले भाई इतना सुधरे,
सब एक जैसे तो बन कैसे सकते हैं? नंबर वार तो होते हैं ना, नारायण द फर्स्ट, नारायण द सेकंड, नारायण द थर्ड। आठ सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? सारे एक जैसे पढ़ के जाएंगे? सब एक दो के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना। एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार, अगर सब हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाबा को क्या आएगी? हंसी आएगी। पर तो खुद समझ सकते हैं ना कि चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबर वार फूल ले आते हैं, नंबर वार फूल दे भी सकते हैं, परंतु उससे समझेंगे क्या? बाबा नंबर वार फूल ले आते हैं, नंबर वार फूल भी दे सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। किसी को कहे कि तू आपका फूल है, किसी को कहे तू गुलाब का फूल है, नंबर वार फूल तो ले आए, पर तो किसी को आपको फूल कह दिया तो वो नाराज हो जाएगा। बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए भी बड़े अच्छे अच्छे फूल है, कहेंगे ये नंबर वन ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इसमें नहीं है। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहती हैं, संपूर्ण तो कोई कह ना सके। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा बहुत मेहनत कराते हैं। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो हैं ही। ये तो बहुत बाप जानते हैं कि सब प्रकार, सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या जाने, ये तो कुछ भी नहीं जानते, बहुत थोड़े समझते हैं। वे गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है, क्या करने आया है? पढ़ा देखे बाबा से आज नई दुनिया की का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबर वार तो होंगे ही ना। कहेंगे ये नंबर वार ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट नहीं, ईर्ष्या नहीं, बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां भी हैं, तो बाप बताते हैं बैठ करके। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए। उस बाप को याद करने से हमारे सारे पाप कट जाएंगे, हम बाप के पास चले जाएंगे। अब बाबा ने से नई सुइयों का रहस्य मंगवाया है।
उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबर वार तो होते हैं ना, 1000 लेकर 100 से 100 पर 100 लेकर 1 नंबर तक। परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या? ऐसे तो नहीं कि कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म स्वर्ग में गया, स्वर्ग है ही कहाँ। कितने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है, कितनी नासमझी कर दी है, नदानी कर दी है। इक्कीस जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई काम बात है क्या? कहते हैं 21 जन्म स्वर्ग के लिए गया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है? आप तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ तुम जानते हो। तो तुम भी मनुष्य हो, परंतु तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, सभी एक जैसे बने। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य वा भगवानों वाच है कि देह सहित दे के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, क्या ये कृष्ण बोल सकता? वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाएं जाती है, वो क्या जाने, वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है, उन्होंने उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स है ढेर। भक्ति राज्य, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने का कोई ताकत नहीं रख, नहीं तो उनको कह सकते हो तुम आगे चल, इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है, हैं सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। बात कहते हैं मेरे को बिरला कोई जाने, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी बिरले कोई मुझे एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, ये तो समझते हैं ना कि बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह वल दीन का भी खेल दिखाते हैं ना, थका करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते हैं उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की रजाई दे रवाना कर देता, एक दिन का राजा बना देता, ये सब है कहानियां। शिव भगवान वाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं, जो बात कोई भी नहीं जानते हैं। सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। वो सन्यास करते हैं घर बार छोड़कर चले जाते हो, और तुम सन्यास करते हो घर गृहस्थ में रहते हुए सब तरफ से बुद्धि हटा देते हो।
सभी आत्माएं वहां रहती है। यह अनादि ड्रामा बना बनाया है। कितने करोड़ों जीव आत्माएं हैं, इतने सब कहां रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है, ये जो आकाश में सितारे खड़े हैं ये आत्मा नहीं है। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, ब्रह्मा को ज्ञान सूर्य भी नहीं कहेंगे। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे तुम नीचे गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे और नीचे गिरते जाएंगे। अभी ये है आयरन एज दुनिया, सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज। वहां कोई रहते नहीं, देवताएं वे कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं। समझते भी हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, बाप ने समझाया, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं। और ये किसको भी धर्म बदली नहीं होता, इनों का धर्म क्यों बदले होता है, किसको कहा पता ही नहीं है। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता धर्म कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या किया पता ही नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता भी है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है ही नहीं। तुम कहते भी हो हिंसा नहीं करते हैं, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता ही नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो, सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होती नहीं, वहाँ कौन पढ़ेगा, ये भी तुम कह देते हो। ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उनों को कुछ पता भी नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, बाप ने तो देवताएं बना दिया है, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है, वहाँ शास्त्र होते ही नहीं। अब बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है, पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास। इस शरीर से भी महत्व नहीं रखना और संसार की कीमत किसी वस्तु से भी नहीं। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी रूपी खुशी के खजाने से भरपूर हो। मेरा सब कुछ किसका हो गया, शिव बाबा। अब नुकसान होगा तो किसका होगा, बस फिक्र किस बात, मेरा तो कुछ है ही नहीं जिसका नुकसान होना है, आसान काम है, हम करते नहीं इतना आसान काम। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वो बेफिक्र रहते, गाते हम सारे हैं, मेरा कुछ भी नहीं सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब तुम बेफिक्र बादशाह बनते हो। जीवन में हर एक को बेफिक्र रहना चाहते हैं, परंतु फिक्र नहीं वो सदा खुश होगा। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। और बाप आप बेफिक्र बादशाह के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में तुम्हें मिल जाते। स्लोगन है, खजानों की सेवा में लगाना, जितने भी खजाने समय का श्वास का संकल्प का धन का सब क्या करना है, सेवा में लगाना है, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। क्योंकि जितना सेवा में लगाएंगे उतना आपके बैंक में जमा होते जाएंगे। ओम शांति। क्या कहते हैं बाबा, हाँ जी।